हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सैकत और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ एनीमिया के लिए SBL कंपनी का फेमिन टैबलेट के बारे में। ये फेमिन टैबलेट एनीमिया का एक बहुत ही अच्छी दवाई है। अब देखते हैं इस दवा का कॉम्पोजिशन क्या है। इस दवा में फेराम फॉस्फोरिकम है 3x, कैली फॉस्फोरिकम है 3x, कैलकेरिया फॉस्फोरिकम 3x और कैलकेरिया फ्लोरिका है 3x। ये जो चारों दवाई मिला के बना हुआ है, ये चारों दवाई एनीमिया से लड़ने में बहुत मददगार होते हैं। ये इसका MRP 140 रुपीज़ है और 5 साल इसका एक्सपायरी डेट है। ये 25 ग्राम का एक कंटेनर में मिलता है जिसमें 100 टैबलेट रहते हैं। अब इसका इंडिकेशन क्या है? एनीमिक कंडीशन यानी एनीमिया या जिसको रक्तल्पता कहते हैं, इसके लिए एक बढ़िया दवाई है। खून में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाने से एनीमिया होते हैं। खास करके जो लोग प्रेग्नेंट लेडी है और जो मदर्स बच्चों को दूध पिलाती है, वो लोग के लिए एनीमिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उन महिला के लिए ये फेमिन टैबलेट्स एक बहुत ही अच्छी दवाई है। अब मैं बताऊंगा इसका डोज किस तरह से लेना है। 2 ठो करके टैबलेट दिन में 4 टाइम इसको थोड़ा सा गर्म पानी से मिला के खाना होगा। ये दवाई कम से कम 6 महीना तक खाना होगा आपका हीमोग्लोबिन लेवल को ठीक करने के लिए। जिसको भी एनीमिया की प्रॉब्लम है, खास करके प्रेग्नेंट वोमेंस और जो बच्चा को दूध पिलाने वाली महिला लोग को, ये फेमिन टैबलेट्स जो कि एक होम्योपैथी दवाई है ले सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे कोई भी ले सकते हैं। इसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। ऐसा नहीं है ये दवाई कुछ रिएक्शन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये दवाई सेफ दवाई है, इसे प्रेग्नेंट महिला तक भी ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये फेमिन टैबलेट्स के बारे में और कुछ पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू।